Welcome and good morning dear students for online home classes. In this session, I myself Dr. Dharmendra Sharma is going to deliver my lecture on the topic An Excellent Father. An Excellent Father is written by Jane Austen jane austen was an english novelist known primarily for her six major novels which interpret, critique and comment upon the british landed gentry at the end of 18th century. first of all, i would tell about the writer she was born on 16 december 1775, steventon, united kingdom, and died on 18 july 1817, winchester, england. her major six novels are pride and prejudice, becoming jane, emma, clueless,

इट इज़ कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर बेनेट एंड मिसिज बेनेट एंड देयर थ्री डाटर्स एल्जाबेथ किटी एंड जैन एंड एक्सेलेंट फादर तो बच्चों इस कहानी के अंदर जैन ऑस्टन ने उस ज़माने का जिक्र किया है जिसमें ये बताया गया है कि ब्रिटिश पीरियड में भी लड़की की शादी एक अमीर होनहार और जो लड़की का ख्याल रख सके उसके लिए माँ और बाप दोनों कितना फिक्रमंद हैं अपनी लड़की के बारे में क्योंकि इनके तीन लड़कियां दिखाई हुई हैं यहाँ पर इस कहानी के अंदर और घरों में जैसा कि आजकल भी हम लोग देखते हैं अपने समाज में भी आज में भी आज के दौर में भी ऐसा हो रहा है कई जगहों पर माँ बाप अपनी लड़कियों की शादी के लिए फिक्रमंद हैं तो इसी कहानी का जिक्र इस नावल जो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो इसका बेसिक नावल है उसे इसका एब्स्ट्रैक्ट लिया गया है इसमें दिखाया है तो गौर करने से पहले इसलिए मैंने ब्रीफ में इसको बताया क्योंकि तीन बहने हैं मिसेस एंड मिस्टर बेनेट जो आपस में बातचीत चल रही है उसका जिक्र किया गया है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट Have unmarried daughters, Elizabeth and Kitty. And third one is Jane. The mother is worried about their marriage as she has not got any suitable match for them. She became happy when she came to know from her neighbor, Mrs. Long, that Netherfield Park has been taken by Mr. Bingley. एंड अनमेरिड रिच मैन ऑफ इंग्लैंड एज ही मे मैरी वन ऑफ हर डाटर्स तो इसमें ये बताया गया है समरी के अंदर ही कि इनके बिल्कुल बगल में जहाँ ये रहते हैं मिस्टर और मिस्टर बेनेट नीदरफील्ड पार्क अपार्टमेंट सा है एक वो जो काफ़ी देर से खाली था वहाँ पर मिस्टर बिंगले नाम का एक इंग्लैंड का शख्स किराए पे उस अपार्टमेंट को लेता है सॉरी सॉरी आई एम रिफिटिंग शी बिकेम हैप्पी वैन शी केम टू नो फ्रॉम हर नेबर हिस इज लॉन्ग दैट नीदर फल्ड पार्क हैज़ बीन टेकन बाय मिस्टर बिंगले एंड अनमेरिड रिच मैन ऑफ इंग्लैंड एज ही मे मैरी वन ऑफ हर डॉटर्स अब उसे इस बात की खुशी होती है कि उनके बगल में नीदरफील्ड पार्क जो एक अपार्टमेंट था वो खाली जो था काफ़ी देर से वो अब एक इंग्लैंड के अमीर शख्स ने जिसका नाम मिस्टर बिंगले है उसने किराए पर ले लिया है और उन्हें उम्मीद बन जाती है कि वो उनकी लड़की जो लड़कियां कवारी लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की के साथ वो शादी ज़रूर करेगा शी कम्पैल्स हर हजबैंड To visit him as soon as he comes. But he refuses by saying that she and the girls may go to him. Further, he says that if she is willing to go to him, he will send a slip indicating his hearty consent to marry whichever he chooses of the girls. जैसे ही उसको ये कंपेल करती है मिसिस बेनेट कि वो उस शख्स के पास जाए उसे पता चलता है वो अभी यहां पर नहीं है वो कहती है जैसे वो आता है एज सून एज ही कम्स वो उसको जाकर मिले लेकिन वो हर बार ये इनकार कर देता है कि वो खुद चली जाए लड़कियों को लेकर चली जाए अगर उसे ज़्यादा शौक है अगर और भी उससे ज़्यादा मुझे वो कंपेल करेगी तो दिल से दिल की गहराई से ये बात उस बात के लिए सहमति दे, दे देगा कि उसको जो भी लड़की उनमें से पसंद है उसको एक पर्ची दे, दे देगा हाँ करने के लिए हम ही देगा अब वो उसको अपनी जो दिल की बात है मिस्टर बैनर्ड के दिल की बात वो उससे छिपा के रखता है कि वो उसके पास हो के आया या नहीं आया but mr. bennett was among the earliest of those who waited on mrs. mr. bingley. he always intended to visit him, though to the last always assuring him, assuring his wife that he should not go. till the evening after the visit was paid she had no knowledge of it. और तो और जब वो आखिरी बार भी होके आया अपनी बीवी को अपनी पत्नी को उसने इसके बारे में आगाह नहीं किया उसको नहीं बताया कि वो उससे मिल के आया है द मदर इज ऑ एज मिस्टर बेनेट डिड नाट पे विजिट टू मिस्टर बिंगले उसकी माँ तीनों लड़कियों की माँ जो है नाराज हो जाती है कि वो मिस्टर बिंगले के पास क्यों नहीं जाता इन यूनिंग हर डाटर एलजाबेथ रिमाइंड्स हर देट मिसिज लॉन्ग है प्रोमिस्ड टू इंट्रोड्यूस हिम टू देम शाम का वक्त है उनकी बेटी एलजाबैथ टोपी हाथ में पकड़ करके ऊपर की ओर उछाल रही है और अपनी माँ को याद दिलवा रही है कि मिसिज लॉन्ग ने श्रीमती लॉन्ग ने उनसे वायदा किया है कि वो आज मिस्टर बिंगले से उनकी मुलाकात करवाएंगी और उनसे परचे करवाएंगी बट द मदर टेल्स दैट मिसिज लॉन्ग वुड नॉट डू दैट लेकिन जैसे वो ये बात कहती है एलिजाबेथ तो माँ उनकी कहती है नहीं मिसिस लॉन्ग जो है ऐसा नहीं करने वाली क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि उसकी दो भतीजियाँ जो कुआरी हैं वो उनके लिए बात करेगी ना कि हमारे लिए मिसिज लॉन्ग हैड प्रॉमिस्ड टू इंट्रोड्यूस इन टू देम बट द मदर टेल्स दैट मिसिज लॉन्ग वुड नॉट डू दैट बिकॉज शी विल थिंक ऑनली ऑफ आर टू नीसेस वो अपनी भतीजों के बारे में सोचेगी वेन मिस्टर बेनेट आज दम टू गिव अप द टॉपिक एंड रिटर्न टू मिस्टर बिंगले जब वो मिस्टर बेनेट कहता है कि इस टॉपिक को छोड़ दो बिंगले वाला मामला तो छोड़ ही दो ना उसके बारे में हम बात नहीं करनी है मिसेज़ बिंगले क्राइज दैट ऑफ मिस्टर बिंगले वो झुंझुला उठती है मिसेज़ बिनेट कहती है नहीं मैं मिस्टर बिंगले को कभी नहीं छोड़ सकती उसके लिए मैं पागल हो चुकी हूं एट दिस मिस्टर बिनेट सेज दैट इफ ही एज मच दिस मॉर्निंग ही सटनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम तब वो कहता है इस बात पर क्या अगर उसे पता होता तो उससे मिलने के लिए नहीं जाता एज यू आर पेड द विजिट ही विल नॉट लीव द अपॉर्चुनिटी जैसा वो मिलके आया था वो कहता है कोई भी ऐसा अच्छा मौका गवाना नहीं चाहेगा ऑन हियरिंग दिस एस्ट्रोनिस्ट वो तीनों माँ भी उनकी तीनों बेटियां भी हैरान हो जाती हैं उस वक्त द वाइफ टेल्स हसबैंड दैट शी ड्यू दैट शी वु हिम तब उसकी बीवी मिसी बेनेट कहती है वो जब उसे पता था कि उनका हस्बैंड जो है कुछ भी ऐसा कर सकता है जिसे मामला सुलझ जाए मोर ओवर शी वॉज श्योर लेकिन उसे और तौर तो से इस बात के बारे में पूरा यकीन था दैट ही हैड ग्रेट लव फार द डाटर्स उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उनका बाप अपनी बच्चियों से बेतहा प्यार करता है वैन ई लिवस द रूम द मदर टैल्स हार जैसे वो कमरा छोड़ करके काम लिए निकलता है माँ अपनी बच्चियों से कहती है दैट have एन एक्सेलेंट फादर कि उनका फादर एक बहुत बढ़िया बहुत अच्छा फादर है ही हैज ग्रेट लव फॉर देम एंड इज मच वरीड अबाउट देअर मैरिड सॉरी अबाउट देअर मैरिज नाउ आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन फॉर होम असाइनमेंट अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो भेज रहा हूँ और आपने इनका आंसर भी जो है मुझे ऑनलाइन ही देना है क्वेश्चन आसान हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज वाट ड वट डाज मिस्टर मिसिज बेनेट टल हर हजबेंड मिसी बेनेट अपने हजबैंड को क्या कहती है सेकेंड क्वेश्चन वन हु टेक्स ओवर नीदरफील्ड पार्क वाई इज मिसिज बेनेट हैप्पी अबाउट इट नीदरफील्ड पार्क को किसने किराए पर लिया और श्रीमती बेनेट इससे खुश क्यों हुई क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डज मिसेस बेनेट इंसिस्ट हर हस्बैंड टू मीट मिस्टर बिंगले श्रीमती बेनेट अपने हस्बैंड को इस बात के लिए जिद क्यों होती है कि वो मिस्टर बिंगले से मिले क्वेश्चन नंबर फोर वाई डज मिसिज बेनेट थिंक दैट मिसिज लोंग इज सेल्फिश श्रीमती बेनेट ऐसा क्यों सोचती है कि श्रीमती लोंग बड़ी स्वार्थी है क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मैनी क्रैक्टर्स डू यू सी इन द स्टोरी